गोइंग टू टीच सिक्स पैरा. यू लिसन परफेक्टली सिक्स पैरा. दस दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल. दस माने इस प्रकार, यक्ष नेम है, पुट माने रखना, मैनी क्वेश्चंस माने बहुत से प्रश्न उत्तर, मैनी क्वेश्चंस बहुत से प्रश्न उत्तर, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल. आंसर माने उत्तर देना, देम माने उनको, ऑल माने सभी. यानी कि इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए. सॉरी सॉरी सॉरी. दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल. इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न उनके सामने रखे और युधिष्ठिर ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी कि दिए. इन द एंड द यक्ष आस्क्ड. एंड माने अंत में. अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना, यानी कि फिर से जीवित कराना. रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना, जिसे कहते हैं रिवाक. अरे राजा, अंत में यक्ष ने पूछा, अरे राजा, अरे महाराजा, अरे राजा, तुम्हारे जो ब्रदर्स मर चुके हैं, भाई मर चुके हैं, उनमें से किसको तुम जीवित करना चाहते हो? किसको जीवित करना चाहते हो? हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ. उनमें से किसको वापस करना चाहते हो, जीवन में फिर से वापस लाना चाहते हो, किसको जिंदा करना चाहते हो? तो आगे बोलते हैं युधिष्ठिर. इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट. मोमेंट मीन्स होता है क्षण. मोमेंट मीन्स क्षण. इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल. इस तरीके से युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया सोचने के लिए, और तब उन्होंने अपने क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड मीन्स होता है चौड़ी छाती वाला, लोटस आइड मीन्स होता है कमल जैसे आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल. इस तरीके से उन्होंने एक क्षण भी नहीं लिया सोचने के लिए, और उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि बादलों जैसे लोटस जैसी आँखों वाला और चौड़ी छाती वाला और लॉन्ग आर्म्ड नकुल, नकुल यानी कि लंबी भुजाओं वाला नकुल को जिंदा कर दिया जाए. लिव लाइंग लाइक ए फॉलन ए बोनी ट्री, जो एक आबनूस पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है. माइट अराइज, और उसे जगा दो, उसे उठा दो. द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर. यक्ष ने, यक्ष जो थे, इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए. यक्ष जो थे इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए. बहुत प्रसन्न हुए एंड आस्क द युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, और युधिष्ठिर से कहा यानी कि पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. यहाँ पे वो कह रहे हैं, तुमने भीम के पास 16,000 हाथियों के बराबर शक्ति वाले भीम के स्थान पर नकुल को ही आपने क्यों चुना जिंदा करने के लिए? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू. क्या बात है, मैंने सुना है कि भीम तो तुम्हारे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही अधिक अधिक प्रिय हैं, मोस्ट डियर टू यू, तुम्हारे लिए
बहुत ही प्रिय, डियर मीन्स प्रिय, डियर मीन्स प्रिय, डियर मीन्स प्रिय। एंड वाई नॉट अर्जुन? और तुमने, और मैंने सुना है कि तुम्हारे भीम जो है बहुत ही प्रिय है तुम्हारे लिए। एंड वाई नॉट अर्जुन, हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन? मैंने ये भी तो सुना है कि अर्जुन जो है वो तो, अर्जुन जो है उनकी, तुम्हारी रक्षा जो है उनकी भुजाओं में है, यानी कि उनकी शक्ति उनकी भुजाओं में है, और तुम्हारी रक्षा जो है अर्जुन की भुजाओं में है। तो इस तरीके से तुम्हें तो अर्जुन को जीवित क्यों नहीं कराया, तुमने अर्जुन के को क्यों नहीं जीवित कराया? टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू? अरे दोनों शक्तिशाली भाइयों की स्थान पर के बजाय तुमने नकुल को ही क्यों चुना? पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में ये बताओ पहले कि तुमने उनको क्यों चुना, उन दोनों भाइयों के सिवाय तुमने उनको क्यों चुना, नकुल को क्यों चुना? फिर बताता है, नकुल राजा देन आइदर ऑफ द टू। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पहुंच रहे हो? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। अरे यक्ष सुनो तो, धर्म तो एक ऐसी चीज होती है, व्यक्ति के एक ऐसा बचाव होता है, शील्ड होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं उसके बचाव होते हैं, धर्म एक ऐसा बचाव होता है व्यक्ति का, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि व्यक्ति धर्म को छोड़ दे, मैन विल बी रुइंड, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। रुइंड मीन्स बर्बाद होना, और गिवन मी अप मीन्स छोड़ देना, बर्बाद हो जाएगी। यदि व्यक्ति धर्म को छोड़ दे तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। इस तरीके से कुंती और माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। वाइव्स मीन्स पत्नियाँ, वर मीन्स थी, माद्री एंड कुंती, कुंती और माद्री, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं। आई एम ए लिव, मैं तो जिंदा हूँ, युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं तो जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, मैं तो जिंदा हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड। इस तरीके से पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा दुखित घटना नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, इसके स्थान पर जस्टिस के, जस्टिस माने न्याय, जस्टिस माने न्याय, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय के तराजू में या ये सब बराबर हो सकते हैं, न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट, मैं आपको बताता हूँ, माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए माद्री का पुत्र नकुल जिंदा हो जाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष बहुत ही यक्ष जो था, इम्पार्शलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता, निष्पक्ष, यक्ष जो था युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड, और उनका सम्मान किया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, सभी भाइयों का वुड कम बैक टू लाइफ, उनका बहुत ही सम्मान तरीके से, और उनके भाइयों को जीवित करा दिया, सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि कम बैक, पुनर्जीवित करा दिया, रिवाइव कर दिया, फिर से जीवित कर दिया सभी भाइयों को इसी खुशी पर। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, अरे यक्ष जो था वो यम था, यम जो था वही डेथ का लॉर्ड था, मतलब इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, वो यम, यह यम था जो मृत्यु का देवता था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। यहाँ पे कह रहे हैं उस, उन्होंने ही, यक्ष ने, यम ने ही यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें, युधिष्ठिर को देख सकें। ही इम्ब्रेंस्ड, इम्ब्रेंस्ड मीन्स गले लगना, चिपट जाना, लेकिन इस समय नहीं। ही इम्ब्रेंस्ड युधिष्ठिर
एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्होंने वो युधिष्ठिर से युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको ब्लेस्ड किया, ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वो डिसअपीयर्ड हो गए। डिसअपीयर्ड मीन्स होता है गायब होना, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब होना। तो आपका लेसन समाप्त हो चुका है, जो भी ना समझ में आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके।